स्वागत है आप सभी का सूत्र 9 के इस द्वितीय दिवस में। दोस्तों, हम इस बार सूत्र में बात कर रहे हैं कुछ हर्ब्स की। हर्ब्स यानी कि वो जड़ी बूटियां, वो औषधियां जो हमारे आसपास एम्पल मात्रा में हमारे आसपास उग रही हैं, चाहे वो खरपतवार के रूप में हो, चाहे वो हमारे मसालों के रूप में हो, चाहे वो हमारे आसपास उगने वाली औषधियां हों, हमारे घर में उगाए जाने वाले पावन पवित्र पौधे हों। ये वो जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में प्रकृति की तरफ से हमें दी गई हैं और हमारे लिए एक वरदान की तरह है। कल हमने बात की थी उन औषधियों के बारे में जो डिटॉक्सिफाई करती हैं, हमारी की बॉडी के अंदर जो भी विषैले पदार्थ आ जाते हैं उनको निकालने में मदद करती हैं। बहुत ही अच्छा सेशन कल डॉक्टर गौतम का रहा और इसी क्रम में आज हमारे साथ डॉक्टर रीटा है। डॉक्टर रीटा जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर और बहुत ही प्रगाढ़ इनका अनुभव है हमारे साथ डॉक्टर नेचर। हम लोग बहुत ही खुशनसीब है कि हमारे साथ डॉक्टर रीटा जैसी हस्ती जुड़ी हुई है। और आप सिर्फ हॉस्पिटल्स के साथ मरीजों से जुड़ी हुई नहीं, इसके बावजूद भी आप समय निकाल करके फेसबुक पर अपने जो है यूट्यूब पर काफी आपके चैनल्स वगैरह हैं और आप बहुत ज्यादा लोगों से जुड़ करके और जन जन तक इन सब चीजों को पहुंचा रही हैं जो कि आज के समय में बहुत बड़ी जरूरत है। तो आयुर्वेद की बहुत जबरदस्त जानकारी है डॉक्टर रीटा को और डॉक्टर रीटा हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये डॉक्टर नेचर का बहुत ही खुशनसीब है, हम आप सब लोग इनसे वाकिफ हैं, बार बार आपकी बात होती रहती है, काफी हमारे साथ समय गुजारती है डॉक्टर रीटा। तो डॉक्टर रीटा आज जिस सब्जेक्ट पर आपको बताने जा रही हैं वो बेसिकली ब्लड क्लींजिंग हर्ब्स। दोस्तों, खून हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और हम जो जीवित हैं हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का वहन होता है ये खून के द्वारा ही किया जाता है, ब्लड के द्वारा। ब्लड बेसिकली ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, जो भी हमारे अंग हैं जो कि हमारे शरीर को चला रहे हैं, जिनकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम खा पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम सोच पा रहे हैं, चाहे हम मस्तिष्क की बात करें चाहे हम किसी और अंग की बात करें, वहां तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम जो है ब्लड करता है। आप सोच सकते हैं अगर ब्लड के अंदर किसी तरीके की इम्प्योरिटी होती है तो वो कितना नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाएगी, क्योंकि बेसिकली उस अंग तक ऑक्सीजन का ही पहुंचना जो है मुश्किल हो जाता है और ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिले तो जो प्राणवायु है ये हमारे शरीर को बिल्कुल एकदम से खत्म कर सकती है। जो कल बात कर रहे थे कि सर किस पर क्यों ये अटैक आते हैं, क्या कारण होता है अचानक ब्रेन स्ट्रोक आने का, तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं किसी पार्ट पर्टिकुलर को, किसी नर्व पर्टिकुलर को जो है जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंच पाती है, जो इस वजह से वो अंग जो है काम करना बंद कर देता है, जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं, एक तरीके का स्ट्रोक कहते हैं। तो ब्लड को क्लीन करने के लिए ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज घुल जाती हैं, खासतौर से जो हैवी मेटल्स हैं जो आज की तारीख में हम लोग खा रहे हैं, काफी सारा ऐसा पदार्थ जो खेतों से सीधा आ रहा है जिसके अंदर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज किए हुए होते हैं, तो उनको जब हम हमारे भोजन के साथ लेते हैं तो कुछ हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं, हमारे ब्लड को इम्प्योरीफाई करते हैं और हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो घर करने लगती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और मैं डॉक्टर रीटा से निवेदन करूंगा कि साथ ही साथ ये भी बताएं कि हर्ब्स को लेने का तरीका। दोस्तों, हर्ब्स बहुत आसानी से उपलब्ध है लेकिन इनको लेने का एक तरीका होता है जिसको कि आयुर्वेद में बताया गया है, इसीलिए हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं। तो कोई भी हर्ब आपके आसपास आसानी से उपलब्ध है लेकिन आप उसका डायरेक्ट उपयोग ना करें, आप उसको अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लें। हमारे डॉक्टर नेचर का जो डॉक्टर्स का कंसल्टेंसी है ये आपकी सेवा में तत्पर है, आप फोन करके पूछ सकते हैं। किसी भी हर्ब को डायरेक्ट लेने से वो बजाय फायदे के नुकसान भी कर सकती है, लेकिन नो डाउट प्रकृति ने हमें हर्ब्स दिए हैं, हमारे भले के लिए दिए हैं, हमारे शरीर को बेहतर रखने के लिए दिए हैं और यदि हम इनका ठीक तरीके से उपयोग करेंगे, डॉक्टर्स के कहे अनुसार हम इनकी उचित मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए एक वरदान की तरह है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रीटा को कि वो अपना सेशन प्रारंभ करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नेचर साथियों, थैंक यू प्रीतम जी। आज जैसे कि प्रीतम जी ने हमें पहले बताया कि ब्लड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, आज जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है उसके अंदर ब्लड में चाहे हम चाहें या ना चाहें इम्प्योरिटीज अपने आप में आ जाती हैं, वो हमारे खान पीन से भी है, हमारे आसपास के एनवायरमेंट से है, जो पोल्यूशन है उससे भी ब्लड की इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी हमें नई नई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अब बेटर है कि हम बीमारियों से लड़ें, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम जो हमारा ब्लड है उसे प्योर रखें और समय समय पे आयुर्वेद में पंचकर्म भी बताया गया है जिसके द्वारा कि आपको बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है। तो जिस तरीके से हम बॉडी के बाकी ऑर्गन्स का डिटॉक्सिफाई करते हैं उसी तरीके से हमें ब्लड को भी डिटॉक्स करने की जरूरत होती है, तो उसके लिए बहुत सारी हर्ब्स हैं, बहुत सारे औषधियां हैं जो आयुर्वेद में बताई हुई हैं, तो उन्हें उनका हम प्रयोग करते हुए अपने ब्लड को इजीली
प्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हर्ब्स को बताने से पहले मैं थोड़ा सा ब्लड के बारे में और ब्लड से होने वाली इम्प्योरिटीज से होने वाली जो बीमारियां हैं थोड़ा सा उनके बारे में भी बताना चाहूंगी कि जिससे हमें पता चले कि ब्लड का जो है हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस क्यों है। तो जो हमारे शरीर में ब्लड होता है वो पूरा हमारा जो बॉडी वेट होता है उसका ऑलमोस्ट 7-8% ब्लड होता है। तो आप ये देखिए कि कितना ज्यादा जो है हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है ना। लगभग नॉर्मल अगर हम वेट 60-65 वेट लेते हैं तो 5-6 लीटर तक हमारे शरीर में ब्लड होता है। तो ब्लड बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। ब्लड जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है। तो जो उसका लिक्विड या तरल पदार्थ होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा के अंदर मेन कंटेंट क्या होता है, के अंदर पानी होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और ये पूरा जो ब्लड होता है उसका 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और जब बाकी का रिमेनिंग 45% होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड में जो ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, आपने अच्छे से नाम सुना होगा, WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं, कॉमन नाम है, हम सब लोग जानते हैं। तो 45% जो होता है इन्हें सॉलिड पार्ट कहा जाता है ब्लड का, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने थोड़ा सा रेंज बताई है कि किस तरीके से होता है। तो हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है जो कि रेड ब्लड सेल में होता है। इसमें मेल और फीमेल में अलग अलग रेंज होती है। तो मेल के अंदर ये 13 से और 17 ग्राम तक होता है, फीमेल में 11.5 से 15.5 है। हर लैब के अपना उन्होंने रेंज अलग अलग किया हुआ है, तो आपको इन रेंज में वेरिएशन भी मिल जाएगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड रेंज जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो हिमेटोक्रिट नॉर्मल रेंज है, ये जो जितना RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनको मिला के हिमेटोक्रिट कहते हैं। तो वो मेल में 40-55%, फीमेल में 36-48%। आप लोगों को लगेगा कि ये क्या कंफ्यूजन हुआ। तो जो सॉलिड पार्ट रह जाता है ब्लड का 45% जो हमारा रह जाता है, उस 45% का हमने ये परसेंटेज निकाला हुआ है। ऐसे अगर हम देखेंगे तो 4.5 लाख से 5.5 लाख तक जो है वो आरबीसी होती है। इसी तरीके से प्लेटलेट होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख, 4.5 लाख तक उसका रेंज होता है, और वाइट ब्लड सेल का 5,000 से 10,000, कहीं आपको 4,000 से 11,000, 4,000 से 12,000 भी इसका रेंज मिल जाता है। तो ये एक नॉर्मल रेंज होता है। जब भी हम रिपोर्ट्स देखते हैं, जैसे हमको ब्लड के लिए CBC कराना होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उस कंप्लीट ब्लड काउंट में हम देखेंगे तो हमें ये सारी मिल जाती हैं। आगे और भी फर्दर रहते हैं तो वो होता है कि RBC भी कई तरह की होती हैं, WBC भी कई तरह की होती हैं, तो उनका भी रेंज हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन मेनली हमें यही सारी चीजें, जैसे बुखार है, हमने कराया CBC कराया, तो हम क्या चेक करेंगे उसके अंदर प्लेटलेट कितना है। प्लेटलेट 1.5 लाख से कम हो रहा है तो हमें पता रहेगा कि भाई डेंगू हो रहा है, प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर एनीमिया है, खून की कमी है, तो हम हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं। कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर है तो हमें WBC देखना होता है कि WBC जो है वो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है या फिर वो कितना कम है। तो ये नॉर्मल रेंज होता है ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कलर, ब्लड का कलर क्या होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि ब्लड का कलर चमकीला लाल रंग होता है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, वो अपनी नसों को देख के कहते हैं कि नहीं, हमारे दिमाग में जनरली क्या है कि जो साफ खून है वो लाल रंग का होता है, और जो गंदा खून मीन्स जिसके अंदर की ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ब्लड आ रहा है, तो उसे हम गंदा खून बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। तो हम लोगों की जनरली लेमैन की टेंडेंसी क्या होती है कि वो ब्लड जो होता है, गंदा ब्लड होता है, वो नीले रंग का दिखता है ना। क्योंकि हम जब अपना आप सब लोग अपने हाथ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा नीली नीली हमारी नसें दिख रही है, ठीक है। वो हमारी वेन्स होती हैं, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं जो साफ खून को लेके जाती हैं वो बहुत डीप होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, उनमें कट लग जाए तो ज्यादा ब्लड लॉस होता है। तो इसीलिए हमारे नेचर ने उसको ऑलरेडी अंदर की तरफ सेफ साइड रखा हुआ है। तो जो नीली नीली नसें हमें दिख रही हैं जिससे कि हमें लगता है कि इम्प्योर ब्लड जो है वो नीले रंग का होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके जो वेन्स हैं, वेन्स के ऊपर स्किन भी है, फैट भी है, उसकी वजह से कलर ब्लू दिखता है। अदरवाइज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर हम जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में गंदा खून कहते हैं, वो थोड़ा सा डार्क रेड होता है, मतलब हल्का कालापन लिए हुए होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, एक चमकीला लाल और एक
डार्क कलर का रेड, तो ये दोनों ब्लड का कलर होता है, प्योर का और इम्प्योर का। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड क्या काम करता है। ब्लड हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरा ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की एक एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। सेल्स जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं उसे वापस लंग्स में लेकर आता है, लंग्स के थ्रू उसे बाहर निकालता है। उसके अलावा जो ब्लड होता है वो आपके इन्फेक्शन से लड़ने के काम आता है। उसके अलावा जो जितना हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है उसको भी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने का काम करता है, ये हम सबको नॉर्मली पता है। इसके अलावा अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है और ब्लड बहने लगता है तो उसको क्लॉट करना, उसको रोकने का काम नेचुरल वे में करना भी हमारे ब्लड का काम होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्लड सेल्स जो होती है उनका क्या, मैं बहुत शॉर्ट में इन चीजों को खत्म करूंगी कि अलग अलग ब्लड सेल्स होती हैं हमने देखी हैं, तो उनका जो है लाइफ साइकिल कितने दिनों का होता है। तो जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल है वो उसका 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी होती है उसका कुछ अलग अलग तरह की है, तो उसमें से कुछ एक दिन उसका लाइफ साइकिल है, किसी का ज्यादा भी है। इसके अलावा प्लेटलेट्स हैं जिनका की लगभग 6 दिन उनका लाइफ साइकिल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है कि ब्लड क्या है ना। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ब्लड जो है उसे रक्त धातु कहा गया है। रक्त धातु का काम सेम वही है जो एलोपैथी मॉडर्न साइंस कहती है, वही आयुर्वेद कहती है कि ये अपरिवहन का काम करता है, सर्कुलेशन का काम करता है अलग अलग तरीके से। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में पित्त होता है, वात पित्त कफ हम सभी जानते हैं, तो जो पित्त होता है पित्त 5 तरीके का होता है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो ब्लड का कलर होता है रेड कलर वो भी पित्त के कारण होता है, रंजक पित्त होता है। तो ब्लड का जो रंजक पित्त होता है वो उसको रेड कलर प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा उसमें जितना हम जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ब्लड का कलर भी चेंज हो जाता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर और स्प्लिन होता है, उसकी वजह से होता है। और यही दोनों ऑर्गन्स जो हैं वो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करते हैं, सीक्रेशन भी करा रहे हैं, प्योरीफाई भी करा रहे हैं। और उसके अलावा बहुत सारी प्योरीफाइंग हब्स भी होती हैं जो उनका की जरूरत होती है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है ना। तो हम पहले देखें कि हमें कौन कौन सी हब्स चाहिए, उससे पहले देखते हैं कि डिटॉक्स करने की क्यों जरूरत होती है। तो उसका रीजन ये है कि अगर ब्लड में इम्प्योरिटीज होंगी तो इम्प्योरिटीज की वजह से हमारी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि कोई भी हमारे पास पेशेंट आता है जैसे कि एक्ने है, फोड़े हैं, फुंसियां हैं, इसके अलावा स्किन का कोई भी और डिसऑर्डर है, तो हम सबसे पहले उसे फर्स्ट मेडिसिन क्या देते हैं, ब्लड प्योरीफायर देते हैं। तो अगर ब्लड प्योर नहीं होगा तो आपको क्या होगा, एक्ने, पिंपल, झाइयां, आंखों के आगे आंखों के चारों तरफ काले घेरे, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा एलर्जीज हैं, बहुत सारे लोगों को नौजिया फीलिंग है, सिर दर्द है ना, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ब्लड के इम्प्योर होने की वजह से होता है। और उसके अलावा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को भी ले जा रहा है, तो अगर डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड ज्यादा होगा तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को पकड़ के पूरी बॉडी में घुमाता है तो उसका बाइंडिंग जो है ना वो भी कम हो जाएगा। तो अगर बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो पूरा है कि प्लेटलेट इतना होना चाहिए, अगर इम्प्योर ब्लड होगा तो बॉडी में प्लेटलेट्स का नंबर भी कम ज्यादा हो सकता है, उसकी वजह से या तो बॉडी में ब्लड अपने आप क्लॉट हो जाएगा, अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या फिर अगर प्लेटलेट्स कम हो गई हैं तो अगर कट लगेगा कहीं भी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ये सारे इसीलिए ब्लड का इम्पोर्टेंस है और इसीलिए हमें ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन है वो करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इम्प्योर अगर ब्लड रहता है बॉडी में तो आपको कैसे इंडिकेट करेगा कि बॉडी में इम्प्योरिटीज है, ठीक है। तो फर्स्टली ब्लड का जब हम एक और फंक्शन देखते हैं तो होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। गर्मियां होती हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से पसीना ज्यादा आके वो निकल जाता है। इसी तरीके से वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर ब्लड में इम्प्योरिटीज बढ़ गई हैं तो आपको ठंड ज्यादा लगेगी, और उसके अलावा आपका यूरिन है उसका सीक्रेशन कम हो जाएगा, पसीना कम आएगा। उसके अलावा जो इम्प्योरिटीज की वजह से जो स्किन की चमक होती है वो कम हो जाएगी, ड्राइनेस होगी, रफनेस होगी,
एक्ने, पिंपल्स, ये सारी चीजें होंगी। पेशेंट या कोई भी पर्सन है वो ठंड को सहन नहीं कर पाएगा, है ना। थोड़ी भी ठंड से वो जल्दी जल्दी बीमार होगा अगर उसका ब्लड इम्प्योर है, और साथ में उसकी जो खाने की कार्विंग्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो उसको गर्म चीजें, है ना, जो चीजें ब्लड को बढ़ाती हैं, उन चीजों को उसे खाने का अच्छा करेगा। उसमें मेनली रहेगा कि गर्म चीजें हैं, सिट्रस फूड्स हैं, विटामिन सी है, या फिर आयरन रिच जो फूड होता है उसकी कार्विंग्स उस पेशेंट को बढ़ जाएंगी। इसके अलावा अगर ब्लड कम होगा तो थकान बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये इम्प्योर ब्लड की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा सांस लेने में भी दिक्कत आती है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग हो जाती है। उसका रीजन ये रहता है कि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, इसकी वजह से लंग्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए जो कि ऑक्सीजन से मिलेगी, तो उसे एनर्जी भी नहीं मिल पाती है। ये सारे के सारे इम्प्योर ब्लड की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि इम्प्योर जो है वो ब्लड है उसमें इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती है, किस किस वजह से। इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गंदगी ही है, मतलब उसका जो नॉर्मल कंपोजिशन है ना, वो भी पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसका होता है कि उसमें आयरन की या विटामिन B12 की कमी हो जाए, या फिर आप एक्स्ट्रा शुगर या सॉल्ट का करेंगे तो जो उसका लिक्विड वाला पार्ट है ना, वो ज्यादा हो जाए, लिक्विड वाला पार्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अगर जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से फर्दर और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। इसके अलावा आप ज्यादा गर्म चीजें, फ्राइड चीजें खाते हैं तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है, टॉक्सिन्स है, अल्कोहल है, या फिर आप किसी भी तरीके का स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, बहुत सारे केमिकल्स इस तरीके से आते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, वो सारे भी ब्लड को इम्प्योर करने का काम करते हैं। अनहेल्दी फूड कॉम्बिनेशंस होते हैं, है ना, वो भी ब्लड की इम्प्योरिटीज को बढ़ाते हैं। खट्टा है या फर्मेंटेड फूड है वो बहुत ज्यादा खाना, उसकी वजह से क्या होगा कि पित्त की वृद्धि हो जाएगी। रक्त क्या है कि उसका जो निर्माण होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो पित्त धातु से भी होता है। अगर पित्त ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका नेचर जो होता है ब्लड का वो एसिडिक हो जाएगा, तो वो भी इम्प्योर ब्लड में आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे रीजंस है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो इम्प्योर हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि ब्लड प्यूरिफायर क्या है। तो किडनी, लीवर और जो हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो मिलकर ब्लड को नेचुरली प्यूरिफाई करने का काम करता है। और अगर वो नहीं प्यूरिफाई कर पा रहा है तो फिर हम आगे जाके ब्लड प्यूरिफाइंग जो है ड्रग्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि, है ना, अलग अलग तरह की एलर्जीज जिन्हें होती हैं। जैसे कि कल डॉक्टर गौतम ने भी बताया था कि एक सीजन होता है जब गेहूं की कटाई होती है पंजाब में, और उस वक्त जो गेहूं का टुकड़ा होता है, तिनका होता है, जैसे ही हम सांस लेते हैं हमारे अंदर जाता है तो हमें बहुत सारी तरह की एलर्जीज करता है। जैसे अगर हम राजस्थान में देखेंगे, है ना, तो एक कोलोप्टीलिया पेड़ होता है। अभी जैसे ही स्प्रिंग सीजन, अभी ठंड जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऋतुएं बताई हुई हैं उसमें अभी हेमंत ऋतु चल रही है, हेमंत ऋतु के खत्म होते ही वसंत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो मिड फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम जनवरी में चल रहे हैं, फरवरी से हमारा स्प्रिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ एक पेड़ होता है होलोप्टीलिया, जिसे लोकल लैंग्वेज में बंदर की रोटी बोलते हैं। तो उसके पॉलन ग्रेन, या फिर स्प्रिंग सीजन में नए नए जो है फूल खिलते हैं, उसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं उसकी वजह से भी एलर्जीज हो जाती हैं। और वो एलर्जीज क्यों हो रही हैं, क्योंकि वो जो पॉलन ग्रेन है, एलर्जन जो फैक्टर्स है, वो हमारे ब्लड के अंदर जाके मिल जाते हैं। और वो ब्लड के अंदर जाके मिल जाएंगे तो उसकी वजह से बार बार छींकी आना, जुकाम हो जाना, आंखों में एलर्जी हो जाना, एंड बहुत ज्यादा सीवियरिटी हो जाती है, अस्थमा भी हो जाता है उसकी वजह से, बुखार भी रिपीटेड हो जाता है ना, जिसे हम एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। वो सारा भी क्या कर रहा है कि ब्लड एलर्जन जो है वो एलर्जन कहाँ जाके मिक्स हो रहे हैं, ब्लड के अंदर मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें इन सारी चीजों से, क्योंकि मौसम को हम चेंज नहीं कर सकते, ना हम वसंत ऋतु के आने को चेंज कर सकते हैं, वसंत ऋतु भी आएगी, गेहूं भी कटेगा, पॉलन ग्रेन जो फूल खिलते हैं उसके पॉलन्स भी निकलेंगे, तो हमारे लिए बेटर होता है कि वसंत ऋतु आने से पहले हमारे पास एक महीना होता है जहां हम अपने ब्लड की जो और इम्प्योरिटीज हैं उसे बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, और उन इम्प्योरिटीज को निकाल के ब्लड को प्योर कर सकते हैं, ब्लड को आने वाली एलर्जी से फाइट करने के लिए हम उसे रेडी कर सकते हैं।
तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि ये जो अभी हमारे पास एक महीना है, आपके पास जितने पेशेंट्स रहते हैं एलर्जी वाले, ठीक है, जो बोलते हैं कि सुबह उठते ही हमें छींकें आती हैं, हमें डस्ट से एलर्जी होती है, या फिर जब भी फूल खिलते हैं हमें अस्थमा बढ़ जाता है, तो उन्हें आपको एक महीना पहले से, मीन्स ये हमारे लिए बेस्ट टाइम है, आपको उसे एलर्जी होने के बाद ट्रीटमेंट नहीं देना है, आपको उसका ट्रीटमेंट अभी से स्टार्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली थर्ड लाइन में आप देखेंगे, इट इज बेस्ट टू स्टार्ट अ प्रोग्राम ऑफ ब्लड क्लींजिंग अ मंथ बिफोर एलर्जिक सीजन। ठीक है, एलर्जिक सीजन स्टार्ट होगा वसंत ऋतु में, उससे जस्ट एक महीने पहले हमें ब्लड क्लेंजिंग जो है प्रोग्राम को बिल्कुल स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगर हम नहीं स्टार्ट करेंगे अपने ब्लड को, जैसे सर्दियां आने से पहले ही हम क्या करते हैं, रजाइयां गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, धूप निकाल के रख देते हैं कि भाई अब ठंड आएगी तो हमें पहन के रखना है, उसी तरीके से हमें अपनी बॉडी को, हमारे ब्लड को प्रिपेयर करना है एलर्जी से लड़ने के लिए। तो इस चीज के लिए प्लीज इस चीज को नोट करके रखिए कि एलर्जिक फैक्टर्स वाले जितने पेशेंट्स हैं आपको उन्हें अभी से ब्लड प्यूरिफायर देना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हमने देख लिया ब्लड क्या है, कैसे हम इसकी ब्लड में जो होने वाली जनरल बीमारियां होती हैं थोड़ा सा एक बार उन्हें देख लेते हैं। कॉमनली हमें यही सारी बीमारियां जो है वो देखने को मिलती हैं, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसिस है, इओसिनोफिल है, और भी बहुत सारी है, डेंगू वगैरह है, वो भी सारा ब्लड से रिलेटेड होता है, लेकिन हमने वायरस और बैक्टीरिया का भी मेन रोल रहता है, इसलिए मैंने वहां पे इसको मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट, अब देखते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे, क्योंकि पूरा ब्लड जो है हेल्दी ब्लड किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन को कैरी कौन कर रहा है? आरबीसी कर रही है। आरबीसी जो होती है ना, उसका आरबीसी में रेड है, तो रेड कलर किसकी वजह से होता है? उसके हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, इट मीन्स हेल्दी आरबीसी जो होती है हमारी वो नहीं रहेगी, और उसकी वजह से बॉडी में पेलनेस, मतलब हल्का पीलापन भी आ जाता है, आपकी बॉडी में थकान भी ज्यादा हो जाएगी, और उसके अलावा जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपर ऑक्सीजन जितना बॉडी में लेके जाना चाहिए उतना उसे कैरी नहीं कर पाता है। तो ये जनरली ये सिंपल एक एनीमिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट, थैलेसीमिया। एनीमिया सिंपल सी चीज है, हम सबको पता है, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं खून की कमी बोलते हैं, दैट इज एनीमिया। उसके अलावा होता है थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि हमने पहले देखा स्लाइड में कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमने मेल की रेंज देखी और फीमेल की रेंज देखी कि इतना होता है, लेकिन थैलेसीमिया वो बीमारी होती है जिसके अंदर जो एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, है ना, एक एनीमिया हो। कि एनीमिया में भी हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हम उसे मेडिसिन देते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल ओके हो जाता है और वो चलता रहता है, उसमें हमें रेगुलर में मेडिसिन देने की जरूरत नहीं होती है एनीमिया में। ठीक है, थैलेसीमिया और एनीमिया में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि थैलेसीमिया के अंदर भी हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो कम हो गया, आपने मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा दिया तो वो आगे बढ़ा ही रहेगा, वो अपने आप हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डाउन होता जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। ठीक है, तो थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है, मॉडर्न साइंस ये कहता है कि थैलेसीमिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, थोड़ा सा आयुर्वेद में भी हम देखते हैं तो टफ ट्रीटमेंट हो जाता है थैलेसीमिया का, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज होती है। थैलेसीमिया मेजर होता है, थैलेसीमिया माइनर होता है, जैसे आजकल शादी होती है ना, शादी आजकल क्या, पहले भी तो लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई जाती थी कि कितने गुण मिल रहे हैं, कितने नहीं मिलेंगे, आगे जाके कैसा उनका वैवाहिक जीवन रहेगा। तो आज के टाइम में इतनी तरह के ये सारे डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं, तो जब शादी की जाती है तो मेरा मानना है कि हमें ब्लड रिपोर्ट्स भी करवा के मैच करना चाहिए। अगर दो थैलेसीमिया माइनर लोगों की शादी की जाती है तो नो डाउट उनके जो बच्चे होंगे वो थैलेसीमिया मेजर ही होंगे। फिर पेरेंट्स के लिए ये रहता है कि पूरी जिंदगी बच्चों को ले जाते रहो और बार 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 ब्लड चढ़वाते रहो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, दो थैलेसीमिया माइनर मिलके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो थैलेसीमिया मेजर हो जाएगी, उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रहेगी ही। तो अगर आप थैलेसीमिया माइनर है ना, तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन थैलेसीमिया मेजर हो जाता है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। आयुर्वेद में हम ये नहीं कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम जो एक फ्रिक्वेंसी होती है थैलेसीमिया वाले जो पेशेंट होते हैं उन्हें एक वीक में
तीन बार ब्लड चढ़ाया जाता है, लेकिन हम आयुर्वेद मेडिसिन से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एक वीक में जो तीन बार ब्लड चढ़ाने का होता है वो हम 15 दिन में एक बार तक भी लेके आ सकते हैं। अगर हम यहाँ तक लेकर आ जाते हैं दैट इज गुड कंट्रोल ऑन थैलेसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स हम देखेंगे सारे के सारे वही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल कम हुआ तो जितना भी तरह का हम ब्लड वाली हम किसी भी डिजीज का सिम्टम्स देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। थकान रहेगी, कमजोरी हो जाएगी, स्किन में येलो येलोइश स्किन हो जाएगी या पेल येलो हो जाएगी। रीजन की स्किन का जो कलर है वो रेड किसकी वजह से हुआ, रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम है, आरबीसी को भी कलर कौन दे रहा है, हीमोग्लोबिन दे रहा है, तो अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड की जो रेडनेस होती है वो कम हो जाएगी और येलोइश कलर की स्किन जो है वो हो जाती है। इसके अलावा स्लो ग्रोथ है, एब्डोमिनल स्वेलिंग है, डार्क यूरिन है, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अगर जब हम इसका आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा इस चीज को कि थैलेसीमिया वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें गिलोय का जो चूर्ण होता है या गिलोय का जो सर्प होता है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। गिलोय चूर्ण में जो गिलोय की डंडी होती है ना, उसका जो तना होता है, पत्तियां इतनी यूजफुल नहीं होती हैं। जब हम गिलोय का किसी भी चीज में हम गिलोय को काम में लेते हैं तो उसका जो तना होता है, क्योंकि वो बेल टाइप का होता है, तो उसका जो तना होता है उसका पाउडर गिलोय चूर्ण है। लेकिन उसके जो उसका तना है उसको पीसेस में काट के उसको उबाल के और फिर उसको छाया में उसको रख के हम सुखाते हैं, पूरा पानी उड़ जाता है, उसके बाद जो बहुत कम पाउडर बचता है वो गिलोय सत्व होता है। तो थैलेसीमिया में गिलोय सत्व, गिलोय चूर्ण, गिलोय जूस वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको इस चीज को नोट करके रखना चाहिए थैलेसीमिया पेशेंट में स्पेशली। इसके अलावा हम आयरन के लिए तो देंगे ही, लेकिन गिलोय बहुत अच्छा रोल प्ले करता है थैलेसीमिया में। नेक्स्ट अब है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारे ब्लड सेल्स बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में। बोन मैरो होता है बोन्स के बीच में, जो हमारी लंबी लंबी हड्डियां होती है ना, जैसे हाथ की है, पैर की हड्डियां हैं, वो लॉन्ग बोन्स आती है, तो उनके बीच में बोन मैरो होता है, वहां पर इनका प्रोडक्शन होता है। तो अगर उसमें प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वजह से नई जो ब्लड सेल्स होती हैं वो नहीं बन पाती हैं, पुरानी जो है वो जल्दी जल्दी टूटती जाती हैं, नई ब्लड सेल नहीं बनती हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिर वही है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। ठीक है, सिम्टम्स देखेंगे हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट सेम सिम्टम्स हैं, वही देखिए आप, थकान है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, छोटा छोटा सांस ले पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पेल स्किन है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पिछले हमने ये बात नहीं की है कि आरबीसी नहीं बना पा रहा है ना, सारी की सारी ही जो ब्लड सेल्स हैं WBC हो, RBC हो, वो उन सबका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, प्लेटलेट्स नहीं बन पा रही हैं, तो उनका जो खुद का काम है वो सारा ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको बार बार इन्फेक्शन भी होगा, कहीं कट लग जाएगा तो ब्लीडिंग भी ज्यादा हो जाएगी, इसके अलावा आपका वही सेम कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, येलोइश स्किन हो जाएगी, आपको सिर दर्द रहेगा, फीवर रहेगा, थकान रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो जब हम अप्लास्टिक एनीमिया के हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बाकी सारी सेम। देखिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए और आरबीसी बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट जनरल सबका सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि डिजीज अलग अलग है तो हमें कुछ मेडिसिन ऐसी देनी पड़ेगी जो कि डिजीज स्पेसिफिक हो। जैसे थैलेसीमिया में हमने नोट करके रखा होगा, मेरे को आगे नहीं रिपीट होके आना चाहिए कि मैडम थैलेसीमिया में है तो हमें स्पेशल क्या देना है। नोट करके रखिए कि गिलोय सत्व, गिलोय चून, गिलोय जूस हमें उसमें यूज करना है। इसी तरीके से अप्लास्टिक जो एनीमिया होता है उसमें पुनर्नवा मंडूर टैबलेट आती है, वो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो गेहूं के ज्वारे होते हैं, ठीक है ना, वीट ग्रास जूस, वो बहुत शानदार उसका रिजल्ट रहता है अप्लास्टिक एनीमिया में। आप वीट ग्रास जूस भी यूज कर सकते हैं, आप वीट ग्रास का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अभी हम सब लोग डॉक्टर नेचर से जुड़े हुए हैं, हमारे पास बहुत अच्छा वीट ग्रास, बार्ली ग्रास जूस है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अप्लास्टिक एनीमिया के जितने पेशेंट हैं उनमें आपको वीट ग्रास जूस देना है। इसके अलावा पुनर्नवा मंडूर भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो नॉर्मल एक रेड आरबीसी होती है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, गोल होता है, जैसे डोनट आते हैं ना, हम सब जानते हैं डोनट किस तरीके के होते हैं,
होल होते हैं, बीच में थोड़ा सा होल होता है, इस तरीके से नॉर्मल जो आरबीसी होती है उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी होता है ना उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो नुकीली हो सकती है, लंबी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है। अब जो हमारा नॉर्मल फ्लो रहता है ब्लड का, वेसल्स जो है, आर्टरीज कैपिलरीज है, वो गोल जो आरबीसी है उसको तो इजीली पास कर देती हैं, लेकिन जब उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो तिकोनी हो गई, अलग अलग तरह की उसकी शेप्स हो जाती हैं, तो जब फ्लो करती हैं ब्लड के अंदर तो वो अटक जाती हैं, है ना। गोल है ये पाइप है, इसके अंदर से इजीली निकल गया, लेकिन अगर मेरे पास कोई चीज नुकीली हो गई तो वो ऐसे जाके फंस गई, फिर एक और आई, फिर इधर फंस गई, फिर इधर फंस गई, तो क्या करते हैं कि वहां पे जाके ब्लड फ्लो को रोक देते हैं। क्लॉटिंग नहीं वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, यूज कर रही हूँ कि ब्लड फ्लो, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आएगा वो निकल जाती हैं, लेकिन एक बार को आके वो उस जगह पे ब्लड फ्लो को रोक देती हैं। रोकने से क्या होता है, जैसे बाकी सारे में हमने कहीं भी सिम्टम्स हम देखते हैं तो पेन हमने वर्ड यूज नहीं किया था कि एनीमिया में कहीं भी पेन होता है, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होता है ना, तो पेन सीवियर एक्सट्रीम पेन होता है, और वो पेन कब तक रहेगा, जब तक कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। जैसे ही आगे से प्रेशर आया, वो जो आरबीसीज थी फंसी हुई थी वो निकल गई, पेन सबसाइड हो जाएगा, लेकिन वो पेन इतना ज्यादा हो जाता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सिकल का मतलब ही ये है, ऐसे मैंने स्लाइड लगाई ही नहीं पिक्चर वाली, आप थोड़ा गूगल करके भी देख सकते हैं, डोनट शेप से थोड़ा सा उसको हम पिचका देंगे, है ना, तो ऊपर की तरफ तिकोना, नीचे की तरफ तिकोना हो जाएगा, और बीच में थोड़ा मोटाई लिए हुए होता है, ये सिकल की शेप होती है, तो इसीलिए हम सिकल सेल एनीमिया इसे कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आरबीसीज जो होती है ना फ्लेक्सिबल होती हैं, फ्लेक्सिबल कहीं से भी इजीली घुस गए निकल गए, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। सिम्टम्स में आप देखिए, फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा एक्सट्रीम पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है, पेशेंट बोल रहा है पेन है, स्वेलिंग है ना, हाथ पैरों पे स्वेलिंग है, तो हम कभी ये सोच ही नहीं पाते हैं कि स्वेलिंग भी हो सकती है, हम क्या कंफ्यूज करेंगे इसे, कहीं कोई किडनी डिसऑर्डर तो नहीं है कि इसको स्वेलिंग है ना। तो किसी भी तरह का अगर आपको पेशेंट है, कोई भी परेशानी लेकर आ रहा है, तो सबसे पहले आपको उसका सीबीसी जरूर करवा लेना चाहिए। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट है, तो उसमें हमें पता चल जाएगा जब भी सिकल सेल एनीमिया होगा या कोई भी और चीजें होंगी, तो आज जो हमने फर्स्ट हीमेटोक्रेट पढ़ा था ना, जिसमें आरबीसीज के बहुत सारे टाइप थे, तो वो उनका रेंज पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, वहां से हम जो है पता कर सकते हैं कि स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। हम बहुत पेन है, पेशेंट पेन कह रहा है, पीड़ान जूस पीड़ान सिरप दिए जा रहे हैं, बोल रहे हैं मैडम 4 महीने से दे दिया, पंकज सर को फोन कर रहे हैं कि सर मैं 5 महीने से पीड़ान जूस दे रहा हूँ, पेन ही खत्म नहीं होता, अचानक होता है, अचानक खत्म हो जाता है, तो वहां पर आपको दूसरी तरह की चीजें भी सोचनी पड़ेंगी, दूसरी तरफ भी जाना पड़ेगा कि वो क्यों हो रहा है, ठीक है। इसी के अलावा फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन है, ग्रोथ जो है वो लेट हो जाती है, और विजन प्रॉब्लम भी होती है। सिकल सेल एनीमिया जनरली जेनेटिक होता है, जन्म से ही इसकी परेशानी रहती है। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक सिकल सेल एनीमिया में, क्योंकि जो जेनेटिक है ना उसे हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि उसकी जो सीवियरिटी है उसे हम कम कर सके, है ना। जीन्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो बच्चे में जन्म के साथ ही आ जाती है, लेकिन सीवियरिटी कम करने के लिए सिकल सेल एनीमिया में आप नोट करके रखिए कि हम बहुत अच्छा एक मेडिसिन आती है लाक्षादी गूगल, जो कि हम पेन में देते हैं, है ना, जॉइंट्स पेन में देते हैं, लाक्षादी गूगल है, योगराज गूगल है, उसे हम यूज करते हैं, उसे हम यहाँ भी दे सकते हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि उसके अंदर गुगलू है, पेन को सबसाइड करना है, इसीलिए हमने दिया है, पेन तो है ही कि भाई पेन को तो वो सबसाइड करेगा ही। इसके अलावा लाक्षादी गूगल के जो हम कंटेंट्स जब हम चेक करते हैं तो उसमें होता है आमल की, विभिद की और हरित की, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट में हमने क्या दिया, त्रिफला प्लस गूगल। आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान दीजिए कि सिकल सेल एनीमिया में हमने सिर्फ त्रिफला दिया है और त्रिफला के साथ में गूगल दिया है। गूगल किस लिए हमें देना पड़ा, क्योंकि पेन है, पेन को खत्म करने के लिए। अदरवाइज जब आपको इस तरीके का पेशेंट दिखता है जिसे कि अभी उसके अंदर ब्लॉकिंग नहीं हो रही है, उसे पेन नहीं हो रहा है, तो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स को आप रेगुलर में त्रिफला जूस या फिर त्रिफला टैबलेट, त्रिफला पाउडर, किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में आप उसे त्रिफला का रेगुलर यूज कराइए, ठीक है। नेक्स्ट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि बॉडी के अंदर आयरन का अब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है
उसमें क्या होता है, आयरन होता है, आयरन बाइंडिंग होती है जिसकी वजह से उसका कलर भी होता है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। इसमें सिंपल सी चीज है, आपको आयरन वाली जितनी चीजें होती हैं उसे पेशेंट को देना चाहिए। इसमें आप डाइट में भी बोल सकते हैं कि पालक है, अनार है, इस तरीके की चीजें खानी चाहिए, है ना। तो ये सबसे इजी ट्रीट होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें आपको ध्यान देने वाली क्या चीज होनी चाहिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, कि बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, उसमें आयरन की डेफिशिएंसी क्यों हुई, हमें ये देखना पड़ेगा ना कि आयरन की डेफिशिएंसी दो रीजन से हो सकती है, कि वो आयरन रिच डाइट लेता ही ना हो। कई बार क्या होता है कि आपके पास आया पेशेंट एनीमिया का, हीमोग्लोबिन लेवल 7 है, 6 है, 6.5 है, आपने उसको आयरन के प्रोडक्ट देना शुरू किया, हीमोग्लोबिन के प्रोडक्ट, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट देना शुरू किया, आपने 2 महीने दे दिया, 3 महीने दे दिया, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है, पेशेंट गाजर चुकंदर का जूस भी रेगुलर में पी रहा है, पालक भी खा रहा है और आयरन बढ़ाने वाली चीजें भी खा रहा है, उसके बावजूद भी जो है उसका हीमोग्लोबिन है वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो उसमें आपको उस वक्त क्या देखना पड़ेगा कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने वाली उसको मेडिसिन देनी पड़ेगी। उसके अंदर सबसे अच्छा रहता है कॉपर, अगर आपको साथ में कॉपर देंगे, है ना, अगर पेशेंट में कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो आयरन की अपने आप में हो जाएगी, क्योंकि कॉपर आयरन को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा अभ्रक, बहुत ये मिनरल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं, ये भी आयरन डेफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर इनकी कमी होगी तो बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, सिम्टम सेम है, मैं बिल्कुल रिपीट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा हम इन टॉपिक्स पे टाइम ज्यादा ले लिया है, ज्यादा टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है ना प्लेटलेट्स का नेचुरल वे में प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से कहीं भी आपको चोट लगी, कट लगा, तो क्लॉटिंग जो है वो जल्दी से नहीं हो पाती है। ये हीमोफीलिया भी जेनेटिक है, जो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली है ना, वहाँ जो महारानी महाराजा वगैरह ये लोग हैं, इनके अंदर जेनेटिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये प्रॉब्लम आती जा रही है। इस इन तरह की प्रॉब्लम में हम नॉर्मली जो हमारा पपीते का जूस होता है या हमारा डॉक्टर नेचर का प्लेट बूस्ट टैबलेट है वो अच्छा काम कर सकता है, पूरा प्रिवेंट नहीं करेगा क्योंकि वो जेनेटिक है। नेक्स्ट, सिम्टम्स में वही है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कभी भी नाक से, मुंह से, आंख से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, स्टिफनेस रहती है, ब्लड लॉस हो जाता है, इसकी वजह से ठंड ज्यादा लगने लगता है, शिवरिंग होती है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। नेक्स्ट, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में अब देखिए दो चीजें हो गई, एक हीमोफीलिया हो गया, एक थ्रोम्बोसिस हो गया। हीमोफीलिया में क्या हुआ था कि ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, थ्रोम्बोसिस में होता है कि ब्लड जो हमारी कट लगे बिना बॉडी की ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड का क्लॉट हो जाना, खून का थक्का जम जाता है, उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसिस होने की वजह से जिस तरीके से स्ट्रोक आते हैं वो भी थ्रोम्बोसिस की वजह से वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें एंटी प्लेटलेट जो है मेडिसिन वो यूज करनी होती है। नेक्स्ट, सिम्टम्स नहीं देखेंगे हम। नेक्स्ट, इओसिनोफिलिया, ये भी अपने मेरे पास काफी सारे पेशेंट्स आप लोग रिपोर्ट्स देते हैं। इओसिनोफिलिया में भी क्या होता है कि इओसिनोफिल जो होता है ना वो आरबीसी का, सॉरी डब्ल्यूबीसी, 5 तरह की होती है, उसका एक टाइप होता है, तो इओसिनोफिल के बढ़ने की वजह से होता है, इसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। ये मेनली तब होता है जब बॉडी में रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं, और कहीं भी अगर आपको बॉडी में स्वेलिंग दिख रही है आप सीबीसी कराइए, इओसिनोफिल्स जो है वो जरूर से बढ़े हुए मिलेंगे। बहुत सारी मेडिसिन इस तरीके की होती हैं, वहां भी इओसिन्स जो है, इओसिनोफिल जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम जो हमारा आज का मेन टॉपिक होना चाहिए था, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, ब्लड क्लिंजिंग हम हर्ब्स को देखेंगे कि वो कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट है मोरिंगा। मोरिंगा जो होता है विटामिन सी विटामिन डी बहुत रिच होता है, तो आपको किस तरीके से देना है, आप मोरिंगा का जो ताजा पत्तियां होती हैं उन पत्तियों का, जैसे हम मेथी के परांठे बनाते हैं उसी तरीके से मोरिंगा को आप आटे में मिलाकर दे सकते हैं। मोरिंगा के जो फूल होते हैं उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, मोरिंगा की जो फली होती है
उसका अचार बना के भी दे सकते हैं, तो वो हीमोग्लोबिन लेवल को बहुत जल्दी बूस्ट करती है। इसके अलावा आप मोरिंगा की जो पत्तियां हैं 20-25 पत्तियां लीजिए, उन्हें बारीक बारीक काट लीजिए और उसका चटनी जैसी या पेस्ट जैसा सा बनाकर और उसे गुड़ के साथ में मिक्स करके और आप सुबह खाली पेट लेते हैं तो जो आयरन डेफिशिएंसी होती है ना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है उसमें मोरिंगा बहुत अच्छा यूज कर फायदा करता है। उसमें स्पेशली आपको देखना है कि उसका पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना के गुड़ के साथ मिला के सुबह आप खाली पेट देंगे, मोरिंगा बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट श्वेत चंदन, श्वेत चंदन की हमें जरूरत कहाँ पड़ रही है, जहां पे आपको यहाँ ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम नहीं करेगा, लेकिन हमने देखा है कि ब्लड की इम्प्योरिटीज की वजह से स्किन डिजीज बहुत सारी हो जाती है, एक्ने है, पिंपल है, ब्लेमिशेस है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो उन सारी चीजों में श्वेत चंदन जो है ना, पित्त का जो परसेंटेज ब्लड के अंदर बढ़ जाता है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है, तो ये पित्त शामक का काम करता है। श्वेत चंदन एंटी एजिंग का भी काम करता है, एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है, बॉडी जो स्किन होता है उसे टोन भी करता है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। आप चंदन का श्वेत चंदन जो होता है उसे घिस के, जैसे अगर एक्ने है तो उसे आप घिस के उस पे फेस पे या कहीं भी आप लगा भी सकते हैं। इसके अलावा श्वेत चंदन का पाउडर आता है, उसे आप दूध में मिक्स करके भी ले सकते हैं, इसके अलावा उसे आप शहद के साथ भी ले सकते हैं। चंदन का आसव भी आता है, लेकिन चंदन आसव जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई एसिडिटी का पेशेंट है तो वहां पे आपको चंदन का आसव नहीं देना है, ऑलरेडी उसका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये पित्त शामक का काम भी कर रहा है, लेकिन जब हम आसव की फॉर्म में देते हैं ठीक है, तो वो भी पित्त को एक तरीके से बढ़ाने वाला होता है। तो आपको जिन्हें डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, एसिडिटी है, वहां वाले पेशेंट्स को चंदन का आसव नहीं देना है, अदरवाइज सिर्फ स्किन डिजीज है वहां पर आप चंदन दे सकते हैं, क्योंकि पित्त शामक है और हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ब्लड का मेन कंटेंट मानते हैं पित्त, ठीक है, इसीलिए हमें श्वेत चंदन की जरूरत होती है। नेक्स्ट अब है तुलसी, है ना, बेसल या हम तुलसी कह सकते हैं। तुलसी बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल का भी काम करती है, ठीक है, और साथ में जब हम तुलसी के पत्तों को पीस के देते हैं तो वो जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया में आपको योगराज गूगल, लाक्षादी गूगल बताया था, तो तुलसी की पत्तियां जो है इसको हम जब पीस के लेते हैं तो आपका सिकल सेल एनीमिया में भी बहुत अच्छा काम करती है। आप इसका एक्सट्रैक्ट भी दे सकते हैं, इसको आप पानी में उबाल के भी दे सकते हैं, इसके अलावा इसको पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। बेस्ट रहता है आप इसको पत्तियां लीजिए, उसका पेस्ट बनाइए और उसे आप शहद के साथ अगर आप देते हैं तो ये टॉक्सिन्स को बिल्कुल रिमूव करने का काम करता है, ब्लड को डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है, इसीलिए हमारे घरों में है ना तुलसी जो है वो एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल तो है ही, साथ ही ब्लड को भी क्लीन कर रही है। तो हम जो हम चाय में तुलसी के पत्ते डाल के लेते हैं, एंड स्पेशली जो अभी सीजन आएगा बसंत ऋतु है या उससे पहले अभी जो हेमंत ऋतु चल रही है, वहां पर भी एलर्जन से लड़ने के लिए है ना, जहाँ हमने बात की थी कि अभी हमारे पास एक महीना है एलर्जी से लड़ने के लिए, तो वहां आप पेशेंट को तुलसी जो पंच तुलसी ड्रॉप्स आती हैं, तुलसी 5 तरीके की होती है, तो तुलसी ड्रॉप्स का अगर आप अभी से सेवन कराएंगे पेशेंट को तो उसे एलर्जी होने के बाद क्या दवाई दी, आयुर्वेद तो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है ना, तो उसे आप पहले से स्टार्ट कराइए, ठीक है। नेक्स्ट अनंतमूल या सारीवा, आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, तो ये अनंतमूल जो होता है ये भी ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, स्किन की जो टोन है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, डिटॉक्सीफाइंग है। अनंतमूल का हम पाउडर भी यूज कर सकते हैं, अनंतमूल के या सारीवा, सारीवा सीरप के नाम से, सारीवाद्य आसव के नाम से काम करता है। इसके अलावा जितना सोराइसिस होता है, देखिए स्किन डिजीज सारी ब्लड की इम्प्योरिटीज की वजह से है, तो रिंग वर्म जहाँ होता है, दाद होता है ना, या फिर सोराइसिस है, इसके अलावा हर्पीज है, वहां पर आप सारीवा को यूज करेंगे तो ये बहुत अकेला भी बहुत अच्छा काम करता है, स्किन को टोन भी करता है ये। नेक्स्ट नीम, नीम के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, नीम से अच्छा तो ब्लड प्यूरिफाइंग कोई हो ही नहीं सकता, ये बिटर होता है, इसके अलावा पित्त शामक होता है, उसका रीजन ये होता है कि शीत वीर्य होता है, मतलब इसकी जो तासीर होती है ना, हम बात करते हैं कि कोई चीज गर्म तासीर की होती है, कोई चीज ठंडी तासीर की होती है, तो नीम जो होता है वो शीत वीर्य होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, ये हमारे लीवर को भी है ना, लीवर
लीवर का ब्लड पे रोल है, क्योंकि जब आरबीसी है ना, जो हमने बात की थी कि 120 डेज उसकी लाइफ होती है, आरबीसी टूटती हैं तो उसको जो डाइजेस्ट करने का काम करता है वो लीवर ही करता है। तो हमें लीवर को भी बहुत ज्यादा प्योर रखना जरूरी है, क्योंकि अगर लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है ना, तो आरबीसी टूटने पे जो बिलिरुबिन बढ़ता है वो हमारे ब्लड में नजर आने लग जाता है। जब आप LFT कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो वहां पे टर्म आपने पढ़ा होगा बिलिरुबिन। बिलिरुबिन किससे बना है? आरबीसी के ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन बना है। इसीलिए ब्लड से रिलेटेड लीवर होता है, तो लीवर को भी हमें क्लीन रखना बहुत जरूरी है। और लीवर को क्लीन रखने में नीम है, कालमेघ है, रोहतक है, ऐसी कई सारी ड्रग्स हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। ठीक है, तो आप स्किन डिजीज में काम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सोराइसिस है, एक्जिमा है, खुजली होती है ना, इनको रिपीटेड खुजली होती है, घाव हो जाते हैं, काले काले धब्बे बन जाते हैं, उनमें भी आप नीम को यूज कर सकते हैं। जैसे गांव है वहां पे पेशेंट कोई है इस तरीके का, बहुत गरीब है, नहीं यूज कर सकता है, तो आप सिर्फ उसको बता भी सकते हैं, है ना। हम सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, सेवा भाव भी होना चाहिए। तो बहुत से लोग तो जानते भी हैं, गांव में यूज करते हैं कि नीम की जो छाल होती है उसको घिस के एक्ने पे या स्कार पे लगा लेते हैं, वो भी काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट में आता है मंजिस्टा। मंजिस्टा बहुत अच्छी मेडिसिन होती है ब्लड प्यूरिफाइंग की। जिन लोगों को थोड़ा सा लगता है कि कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा ठीक कर सकता है ये, है ना। इसके अलावा स्किन डिजीज को में तो काम कर ही रहा है, लेकिन मंजिस्टा और श्वेत चंदन जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करने का भी काम करते हैं। मंजिस्टा पाउडर में भी मिलता है, मंजिस्टा का सिरप भी आता है, मंजिस्टा का असर भी आता है आपको। लेकिन मंजिस्टा जब आप यूज कराते हैं तब आपको स्पेशली ध्यान रखना है उसका डोज का। अगर मंजिस्टा का डोज थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट को लूज मोशंस का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि मंजिस्टा अगर आप पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं तो आधा चम्मच से ज्यादा नहीं देना है। बाकी मंजिस्टा हमारे पास रक्त शोधक सिरप में है तो हमें उसका डोज का टेंशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है और उसका डोज उसी हिसाब से सेट किया हुआ है। तो किसी भी पेशेंट को इसकी वजह से जो है वो लूज मोशंस नहीं होंगे। और ये भी मंजिस्टा जो होता है शीत वीर्य होता है, शीत इसका मधुर विपाक होता है, ठीक है, और त्रिदोष शामक होता है, उसकी वजह से ब्लड प्यूरिफाइंग का काम बहुत अच्छा करता है, साथ ही लीवर को भी क्लीन करता है। इसके अलावा त्रिफला है, त्रिफला हम सभी जानते हैं, हमने बात की है सिकल सेल एनीमिया में भी, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स को हमको त्रिफला देना है, अमल की, विविध की, हरित की। और ये वाला जो त्रिफला है वो 1:1 का है। त्रिफला पाउडर को आप बहुत सारी बीमारियों में दे सकते हैं, ब्लड प्यूरिफाइंग तो है ही। आप जैसे अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप मॉर्निंग में भी त्रिफला उसको दिलवा सकते हैं, है ना। ये भी सारा ब्लड की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक चम्मच त्रिफला को या फिर 2 टैबलेट को किसी को रात में लेने से भी अगर मोशन नहीं हो रहा है तो आप सुबह भी दिलवा सकते हैं। इसको शहद के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, बहुत तरीके से त्रिफला को लिया जा सकता है। और ये ब्लड प्यूरिफाइंग जो होता है वो ड्रग होती है। ठीक है, नेक्स्ट गिलोय है। गिलोय का सभी को पता है कितना अच्छा जो है ये पित्त शामक रक्त शोधक माना गया है। गिलोय को हम किसी भी तरीके का हमारा बुखार हो जाता है, प्लेटलेट्स जो है वो डाउन हो जाती है तो उसमें हम काम में लेते हैं। जितना भी डिजीज जो है जैसे सोराइसिस है ना, या फिर काले घेरे हो जाते हैं, वहां पे हम नीम गिलोय जूस देते हैं ना हर पेशेंट को। इसका रीजन ये होता है कि ये पित्त शामक का काम करता है, ब्लड प्यूरिफाइंग का काम करता है। एलर्जीज जितनी भी हैं, अभी जितना भी एलर्जन जो आएगा है ना, छींके वाला, खांसी वाला, वहां पे आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि छींके आ रही है तो गिलोय क्या काम करेगा या खांसी आ रही है तो गिलोय क्या काम करेगा, क्योंकि ये एंटी एलर्जन है ना। एलर्जन किस में रन कर रहे हैं? ब्लड में कर रहे हैं, तो ये एंटी एलर्जन का काम करता है। इसके अलावा एक्जिमा है, बॉयल्स है, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं उन सबके ऊपर, और रक्त धातु से, ब्लड से रिलेटेड जितनी सारी कंडीशंस हैं उन सबको प्योर करने का काम करता है। गिलोय चूर्ण को आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं और गिलोय का आप काढ़ा बना के खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं, और अगर आप खाना खाने से पहले देते हैं तो भी ये नुकसान नहीं करता है। बाकी बेस्ट रहता है आप गिलोय का जो पाउडर है उसे सुबह खाली पेट दिलाइए। मैंने पाउडर की बात की है, सिरप की नहीं की है। अगर आप सिरप में या एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो आपको नाश्ता करने के बाद देना चाहिए, मेन जो आपका खाना है उससे पहले, लेकिन आफ्टर ब्रेकफास्ट देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बिटर स्वाद में कड़वा होता है। अगर किसी को गिलोय चून को, गिलोय जूस को लेने में परेशानी है
तो आप थोड़ा सा उसे गुड़ में मिक्स करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पाउडर फॉर्म में दिक्कत आती है तो गिलोय की टैबलेट्स हैं, ये महासुदर्शन घनवटी, संशमनी वटी, गिलोय वटी, ये सारे गिलोय के ही अलग अलग तरीके से बनाई हुई मेडिसिन है। नेक्स्ट, टर्मरिक हल्दी हर कोई जानता है, एस्ट्रिजन का काम करता है, जो होता है इसका विपाक जो होता है वो शीतवीर्य होता है, कुरकुमिन इसके अंदर होता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, एंटी एलर्जिक है, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल, क्या मतलब कौन सी ऐसी चीज रह जाती है जो टर्मरिक नहीं करता है। ठीक है, ब्लड प्यूरिफाइंग के लिए, स्किन डिजीज के लिए सबसे ज्यादा हल्दी यूज की जाती है। हमारे शादियों में भी दुल्हन को, दूल्हे को शादी से पहले हल्दी लगाई जाती है ना। रीजन क्या, कि स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ना हो, स्किन में जो है वो चमक आ जाए। चमक कब आएगी, जबकि आपका ब्लड प्यूरिफाई रहेगा, है ना। कोई भी अब इन जनरल भी देखते हैं किसी की कहीं भी पिंपल हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्यूरिफायर यूज करो। कोई भी स्किन डिजीज हो रही है, ब्लड प्यूरिफायर यूज करो। तो टर्मरिक सबसे, अगर हमने जितनी पीछे सारी तभी तक की मेडिसिन देखी है, ड्रग्स हर्ब्स का नाम देखा है, तो उनमें नंबर वन पे अगर हमें नंबर देना पड़ेगा तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो टर्मरिक आती है। इसके अलावा जो हे फीवर होता है, है ना, अर्टिकेरिया होता है, अर्टिकेरिया में होता है ना कि आप पिक्चर्स भी आती हैं मेरे पास में कई बार कि पेशेंट बोलता है कि मैं जहां पे खुजाता हूँ वहीं पे एक लंबी लाइन बन जाती है, वो जगह स्वेलिंग हो जाती है, जैसे नाखून से खुजाया तो जहां जहां नाखून टच हो रहा है वहां की स्किन में स्वेलिंग आ जाती है। वहां पर अकेला हल्दी अगर आप दूध के साथ में मिक्स करके देते हैं, अकेली हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल ध्यान रखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में शीत पित्त कहते हैं, उदर्द कहते हैं, है ना, अर्टिकेरिया कहते हैं, या फिर किसी भी तरह का स्नेक बाइट वगैरह है वहां भी हम काम में ले सकते हैं। वो तो एंटीवीनम का भी काम करता है, लेकिन मेनली ये ब्लड प्यूरिफाइंग और स्किन के जो है ना चमक को बनाने के लिए एंटी सोराइसिस में भी हम दे सकते हैं, एक्जिमा है, पिंपल है, एक्ने है, वहां सब जगह ये इसका बहुत अच्छा रूल है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, हमने सारी ड्रग्स देख ली हैं, और भी बहुत सारी हैं, सबको कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है। उशीर होता है, देखिए चरक जो हमारे महर्षि चरक है ना, उन्होंने मेनली इतनी सारी तरह की हर्ब्स हैं उसमें से मेन 500 हर्ब्स को अलग किया है ना, और उन 500 हर्ब्स को 10-10 का ग्रुप बना के किया है कि एक ही तरह का काम करने वाली ये 10 हर्ब्स हैं, ये काम करने वाली अलग हैं। तो जब हम रक्त शोधक में देखते हैं, है ना, तो उसमें हमें क्या दिखता है कि उन्होंने पूरा रक्त शोधक ब्लड प्यूरिफाइंग ड्रग्स का 10 हर्ब्स का पूरा एक उन्होंने अलग बंच बना दिया है। उसके अंदर आपका गिलोय भी आता है, उसके अंदर हल्दी भी आती है, उसके अंदर उशीर भी आता है, उसके अंदर आपका सौंफ भी आता है, और बहुत सारी और भी 10 टोटल है मेडिसिन वो आती है। इसी के अलावा खुजली वाली है, और ब्लड अगर ज्यादा बह रहा है तो शोणित स्थापन के नाम से उन्होंने महाकषाय बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से बनाए हुए हैं। जब हम आयुर्वेद डॉक्टर नेचर की मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हीं महाकषाय में से उन्हीं सारा मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लगा मिलाकर ही ये दवाई बनाई हुई है। जैसे हम रक्त शोधक सिरप की बात करते हैं तो इसमें मंजिष्ठा भी है, उन्नाव भी है, हंसराज भी है, गजवान, ये क्योंकि मैं सारे नाम कवर अप नहीं कर सकती थी तो ये सारी की सारी मेडिसिन जो है वो सारा ब्लड प्यूरिफाइंग का काम करती हैं। नेक्स्ट, हल्दी नीम टैबलेट है, इसमें हल्दी भी आ गया आपका और नीम भी आ गया, तो इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करेगा, और इन्फ्लेमेशन वगैरह और एंटीवायरल एंटीफंगल जो है ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा वीट, बार्ले, ग्रास है, हमने आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि अप्लास्टिक एनीमिया जो होता है वहां पे हमको वीट ग्रास जूस देना है, तो हम कहीं भी ढूंढेंगे हमें पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलता है, नहीं मिलता है, तो आप ध्यान रखिए कि अप्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट्स को आपको वीट, बार्ले, ग्रास जूस देना है। ब्लड प्यूरिफायर का काम कर ही रहा है। इसके अलावा इसके अपने आप में ये ना मैजिक रेमेडी है, ठीक है, निम्बादी चूर्ण है, निम्बादी चूर्ण के जब आप कंटेंट्स देखेंगे तो वही है, नीम है, आंवला है, गिलोय, विडंग है, कुष्ठ है, हरितकी है, पिपली है, तो ये सारी की सारी जो मेडिसिन होती हैं ये सारा ब्लड प्यूरिफायर का काम करती हैं। देखिए ब्लड डिसऑर्डर्स मेनली इसका रोल होता है। यकृतजीत सिरप है, यकृतजीत सिरप को इसलिए जरूरी है करना ब्लड इम्प्योरिटीज के लिए, क्योंकि ब्लड की सेल्स का जब ब्रेक डाउन हो रहा है
तो उस ब्रेकडाउन को कराने के लिए मेन जो रोल प्ले करता है वो लीवर करता है। अगर हमारा लीवर का फंक्शन ठीक नहीं होगा तो जो ब्रेकडाउन करने पे इम्प्योरिटीज बनी है जिन्हें की ब्लड से बाहर निकाल देना चाहिए था वो हमारे ब्लड में ही रह जाते हैं। जैसे कि जॉइंडिस होता है, जॉइंडिस में क्या होता है कि आरबीसी जब ब्रेकडाउन करती है और उससे बिलीरुबिन बना है तो बॉडी से बाहर जाने के बजाय वो क्या करता है हमारे ब्लड में ही रन कर जाता है ना, और उसकी वजह से हमारा जो स्किन है ना वो पीला पीला दिखने लग जाता है, आंखों के ऊपर आ जाता है। तो हमारा लीवर फंक्शन, जितने जॉइंडिस के केसेस रहते हैं वहां हमें लीवर टॉनिक ही दिया जाता है। तो हमें इसी तरीके से ब्लड की इम्प्योरिटीज वाले जितने केसेस हैं वहां पर हमें लीवर टॉनिक जरूर देना चाहिए। हीमोबूस्ट सिरप है, हीमोबूस्ट सिरप में वही सारी चीजें हैं जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाती हैं, ठीक है। आंवला है, मोरिंगा है, पांच बीज है, द्राक्षा है, अनार है, ये सारी चीजें ही ब्लड को बढ़ाती हैं। टर्मेरिक ड्रिंक मिक्स है, इसके अंदर सेम चीजें हमने देख रहे हैं कि रिपीट हो रही है। अर्टिगेरिया के पेशेंट्स हैं उनमें टर्मेरिक बहुत अच्छा काम करता है। स्किन डिजीज, ब्लड के कारण जो स्किन डिजीज हो रही है उनके अंदर भी टर्मेरिक का बहुत शानदार रोल रहता है। पंचतुलसी ड्रॉप, पंचतुलसी, तुलसी का मैंने आपको बता दिया है कितना अच्छा है रोल तुलसी की। आप ड्रॉप्स को भी यूज करा सकते हैं तुलसी के पत्ते का, क्योंकि हर बार हमें मिलना जरूरी नहीं है ना कि हमें अच्छी तुलसी मिल जाए हर बार। छोटे पत्तों वाली तुलसी सबसे अच्छी होती है, श्यामा तुलसी है। तो हमारे पास पंच तुलसी ड्रॉप में पांचों तरह की जो तुलसी है उनका एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, तो ये बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफाइंग का काम करता है। इसके अलावा प्लेट बूस्टर टैबलेट है, प्लेट बूस्टर टैबलेट की जरूरत हमें तब है जबकि बॉडी में प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गई है और उसकी वजह से जो है डेंगू हो गया है। तो डेंगू में क्योंकि प्लेटलेट जो है वो ब्लड का ही काम करती है तो वहां पे प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए प्लेट बूस्ट जो सिरप टैबलेट है वो काम करती है। जब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो इसमें गिलोय है, तुलसी है और साथ में पपीते की पत्तियां होती हैं। इसी के साथ ये भी आज का प्रेजेंटेशन खत्म होता है।